इस वीडियो में 23 से 29 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं। ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। साथ में ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो अगर बात करें सबसे पहले 23 तारीख की, तो इस दौरान चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके राशि स्थान में ही रहेगा। राशि स्थान के चंद्रमा आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस समय आप अपना कोई भी निर्णय ले सकते हैं, फ्यूचर का भी कोई डिसीजन आप इस समय ले सकते हैं। आपको कोई बड़ी प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, वो आप इस समय कर सकते हैं। साथ में आप अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अगर आप कोई एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, गायन के क्षेत्र में हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी होने वाले हैं। साथ में आप हेल्पिंग रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस समय आप लोगों की कर सकते हैं। तो चंद्रमा का जो ये गोचर रहेगा शुरुआती दिन, ये वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपना कोई भी नुकसान इस समय ना करें। साथ में ये समय आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स अभी आप झेल रहे हैं या कुछ समय पहले आपने झेली हैं, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आराम देखने को मिलेगा। साथ में जो आप खर्चे करते आए हैं, अभी तक बहुत सारे खर्चे आपने किए हैं, तो उन खर्चों पर कहीं ना कहीं अब लगाम लग सकती है। चंद्रमा का राशि स्थान में आना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखने से बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। आपका जो बिजनेस वाली थॉट है मन में, वो काफ़ी अच्छे से आएंगे। ऐसे विचार आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगे मन में, और इन विचारों पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होगा। साथ साथ में आप अपनी मैरिड लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान इस समय रखने वाले हैं। तो जो शुरुआती दिन रहेगा, शुरुआती दिन काफ़ी अच्छा, ये अंतिम वीक है अगस्त का, और ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो अगर बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत काफ़ी अच्छे से होने वाली है। साथ में मैरिड लाइफ में जो भी आपको दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो आपकी दूर होने वाली है। साथ में आप अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और कोई भी अगर उनको आपसे सहायता चाहिएगी तो आप सहायता जरूर करेंगे। इस समय आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा भावुक होता हुआ देखेंगे, उनका असामान्य व्यवहार आप देखेंगे। इसके साथ अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है बिजनेस में, तो आपकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चलेगी, और जो पार्टनर से आपके उनका सहयोग आपको मिलेगा। साथ साथ में अगर आप इस समय कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो समय काफ़ी अच्छा है, समय आपका साथ देगा। साथ में ये समय में, क्योंकि जो आपका राशि स्थान का स्वामी शनि है, वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य को लेके जो परेशानियां हैं, वो हालांकि कुछ समय के लिए हल जरूर होने वाली, लेकिन आगे चलकर फिर से आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर बात करें इस वीक की शुरुआत की, तो शुरुआत तो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके बाद अगर मेन राशि के गोचर की बात करें चंद्रमा की, तो 24 और 25 को चंद्रमा यहाँ से चेंज होंगे, और ये 24 और 25 को आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ ये मेन राशि में रहने वाले हैं। चंद्रमा का मीन राशि में होना आपको अपने फैमिली के लिए चिंतित करेगा। आप अपनी फैमिली से बेहद लगाव रखेंगे। आपके धन में वृद्धि हो सकती है, आपको धन प्राप्त हो सकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको इस समय धन का नुकसान भी हो सकता है। साथ में आप अपने खाने पीने के रूटीन पर, खाने पीने की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अपनी फैमिली की वेलनेस पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने बारे में भी काफ़ी चिंतित रहने वाले, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में चिंतित रहने वाले। तो इन सब में हालांकि कोई भी काम आपका अगर अटका हुआ है, तो काम पूरा होगा, आपको लाभ अवश्य होगा। साथ में चंद्रमा का जो सेकंड हाउस का ट्रांजिट है, ये धन संबंधी कार्यों के लिए अच्छा है। अचानक धन प्राप्ति के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। चंद्रमा यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने से आपको अचानक प्रॉपर्टी मिलना, चाहे आपको पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा मिले, या फिर आपको अपने इन लॉज से सहायता मिले, किसी न किसी प्रकार की सहायता आपको मिलती रहेगी। ये समय में चंद्रमा आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आपको देखने को मिल सकता है। तो समय आपके पक्ष में ही रहेगा, समय आपके विपरीत नहीं जाएगा, लेकिन आप किस तरह से इस समय का उपयोग कर पाते हैं, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो चंद्रमा का जो दूसरे भाव का गोचर होगा, काफ़ी अच्छा आपके लिए जाने वाला है। अपने धन संबंधी कार्यों को लेकर आपको चिंतित रहना चाहिए। साथ में फैमिली के साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो फैमिली के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाले, फैमिली की अच्छी केयर आप करने वाले।
साथ में देखिए वाणी स्थान में चंद्रमा आ रहे हैं। वाणी स्थान में चंद्रमा के आने से वाणी की मधुरता बढ़ जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इस वजह से आपके जो फैमिली के साथ संबंध है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके संबंध है, जनता के साथ आपके संबंध, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। साथ में आप अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो समय है आपका, ये भी काफ़ी उत्तम रहने वाला है। उसके बाद 26, 27 और 28 अगस्त को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ ये मेष राशि में रहने वाले हैं। मेष राशि में इनका ये गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में होने से चंद्रमा की ये स्थिति आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगी। ये यात्रा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। साथ में छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं बहुत सारी, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ कोई भी दुर्घटना आपके साथ ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ में जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको इस समय का काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके छोटे छोटे ट्यूर आपके बिजनेस की वजह से हो सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस दौरान आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ये समय अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मीडिया से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से, या इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, तो समय आपका साथ देगा, समय आपके पक्ष में रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ये समय का भी आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस समय जो भी आपके काम होंगे वो बहुत तेज़ी से बनेंगे। आप हालांकि किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं पड़ना चाहेंगे, पर फिर भी आप अपने जो सारे काम हैं उनको काफ़ी तेज़ी से करना चाहेंगे। इसके साथ साथ आप इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आप अपने रूटीन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं, और इधर उधर की जो यात्राएं होंगी उनमें आप ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो अपने शरीर को आपको रेस्ट जरूर देना चाहिए इस समय में, और ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का आपको पूरा पूरा, वरना आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या सेहत से संबंधित हो सकती है। साथ में चंद्रमा का देखिए तृतीय भाव में जाना, ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएगा। साथ में छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर उनके साथ संबंधों में किसी प्रकार की आपको दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो वो दूर होगी। चंद्रमा यहाँ से नाइन्थ हाउस को देखेंगे। नाइन्थ हाउस को देखने से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं, वो बनेंगे। आपको दूर के जो कांटेक्ट हैं आपके, उनसे लाभ होगा। दूर के किसी व्यक्ति से आपका कोई भी संपर्क है, पहले से बना हुआ या अभी नया भी बन सकता है, तो उनसे आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर हायर एजुकेशन में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं अध्ययन कर रहे, तो आपका स्टडी आगे बढ़ेगा। साथ साथ में ये जो समय है, इसमें आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से, अपने पिता से कोई सहायता ले सकते हैं, उनसे कोई सलाह ले सकते हैं। इस समय आप सभी व्यक्तियों का सम्मान करेंगे, और इस समय धार्मिक कार्यों में भी आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, तो धार्मिक पर्पज से भी कोई यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय आपकी छोटी दूरी की यात्राओं के साथ लंबी दूरी की यात्रा या फिर विदेश यात्रा तक हो सकती है, तो ये समय काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे तुला राशि में, और 29 अगस्त की जहाँ तक बात है, तो 29 तारीख को आपके ये चतुर्थ भाव में रहने वाले, जहाँ पर राहु ऑलरेडी अभी गोचर कर रहे हैं। तो इस समय जो भी आपको प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, माता जी की सेहत को लेकर दिक्कत आ रही है, या घर में कोई विवाद चल रहा है, तो इन सब मामलों में चंद्रमा आपकी सहायता करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ रहने वाले, राहु के साथ चंद्रमा के होने से थोड़ी बहुत परेशानी आपको डिसीजन लेने को लेकर जरूर होगी। साथ में अपने घर के विवादों को हालांकि आप काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे, उनको काफ़ी अच्छे से आप शांत कर पाएंगे, तो विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा, मन में शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी राहु के साथ चंद्रमा है तो मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हो या किसी से कोई डिस्कशन करना हो, उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ साथ में देखिए चंद्रमा यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस को देखने से आपको जॉब में अच्छा रहेगा। जॉब में ये समय आपके लिए अच्छा है, आप अपनी करियर की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। और बार बार अगर आप इस समय जॉब छोड़ रहे हैं, दूसरा जॉब पकड़ रहे हैं, तो ये जो परेशानी आपकी, इससे आपको निजात मिलेगा। इस समय आपको प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, एकदम फ्रेश आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब मिलने के चांसेस भी बनते हैं। साथ में जो लोग इस समय कुछ स्पेशल ट्राई कर रहे हैं अपने करियर में, पहले से आपके पास जॉब है या फिर पार्ट टाइम आप और जॉब करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपना काम खुद का करना चाहते हैं साथ में, तो उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी उत्तम रहेगा। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है,
और एक तरह से इस वीक में आपके लिए कोई भी ऐसा परेशानी भरा समय ज़्यादातर नहीं है जहाँ पर आपको बहुत कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक में जो शुभ अंक रहने वाला है इनके लिए वो रहने वाला है 5, और आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है काला रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।